जीवन का वास्तविक अनुभव, अनुशासन की राह, संघर्ष की कहानी और गुरुकुल का एहसास, ऐसा हमारा नवोदय है। मैं डॉक्टर चेतन शिरोडकर, असिस्टेंट कमांडेंट पद पर सीआरपीएफ में कार्यरत हूं। 13 अप्रैल नवोदय स्थापना दिवस की मैं हमारे सभी नवोदय के भाई और बहनों को शुभकामनाएं देता हूं। 13 अप्रैल 1986 में हमारे देश में नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई, जिसमें झज्जर हरियाणा और अमरावती महाराष्ट्र, ऐसे दो नवोदय विद्यालय की शुरुआत हुई। मैं खुद को खुश नसीब मानता हूं कि मुझे देश के पहले नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय अमरावती महाराष्ट्र का मैं छात्र रहा हूं। आज नवोदय स्थापना दिवस पर मुझे नवोदय में बिताए हुए वो पल पल याद आ रहे हैं। वो हमारे जीवन के सबसे बेहतरीन पल है। उसी अवसर पर ये पंक्तियां मुझे याद आ रही। रग रग में बसा कुछ इस तरह हो, मुझमें गुनगुनाता वो संगीत है, वो आदत है कभी न छूटने वाली कि धड़कता आज भी मुझमें वो नवोदय है। नवोदय है, नवोदय एक ऐसी बेजोड़ संस्था है जो जाति धर्म और भाषा प्रांत से परे सबको एक धागे में पिरोए रखता है। नवोदय एक अटूट ऐसे स्नेह बंधन का नाम नवोदय है और यही नवोदय की खूबसूरती है। कम टू लर्न एंड गो टू सर्व, यह हमारे नवोदय का उद्देश्य रहा है। जिस नवोदय से मैंने शिक्षा ली, आज मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला है, यह मेरे लिए गर्व की बात है। नवोदय ने न केवल हमें शिक्षित कर हमारा बहुमुखी विकास किया, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाया। आज हम देखें तो पूरे भारतवर्ष में हमारे नवोदय के भाई बहन विभिन्न क्षेत्रों में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, नवोदय की गरिमा बना रहे हैं और देश की विकास में, देश की अखंडता बरकरार रखने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। आज नवोदय स्थापना दिवस पर मैं यही आशा करता हूं कि हमारे नवोदय ऐसे ही कार्य करते रहे, नवोदय का नाम अपना परचम लहराते रहे, नवोदय का नाम रोशन करते रहे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम नवयुग की नई भारत की नई आरती, हम स्वराज की ऋचा नवल, भारत की नवोदय हो, हम ही नवोदय हो, हम ही नवोदय हो। जय हिंद।